नमस्कार, कैसे हैं आप? हमने कुछ दिनों पहले म्यूचुअल फंड सीरीज़ की थी और उससे जुड़े हुए कई सवाल हमारे पास आए हैं। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिसका जवाब जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, आप सभी के लिए। तो एक सवाल था उसमें ऐसा कि एक्स वाई जी रकम निवेश करनी है, कितने फ़ंड लेने चाहिए। इस सवाल का जवाब हमने हालांकि अपनी वीडियो में दिया हुआ है कि मैक्सिमम आपके पोर्टफोलियो में 6 से 8 फंड होने चाहिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन इसका जवाब और अच्छे से समझने के लिए दो बातों को समझना ज़रूरी है कि आप पुराने निवेशक हैं या नए निवेशक हैं। पुराने हैं तो इसका जवाब आपको मिल चुका, 6 से 8, उससे ज़्यादा नहीं। जो नए निवेशक हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास कम रकम होती है निवेश करने के लिए, शायद 2000, शायद 4000, शायद 5000, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो उनको कितने फंड में पैसे डालने चाहिए, इसको आप यूँ समझिए कि इसका कोई नियम कानून कायदा फॉर्मूला नहीं है। कोई नहीं कहता, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 1000 है, 2000 है, 4000 है तो आप सिर्फ एक ही फंड में डाल लें या फिर आप चार फंड भी ले सकते हैं। कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ इस बारे में। तो ये किस बात पे निर्भर करेगा? ये करेगा सिर्फ आपके ऊपर, आपके डिसिप्लिन, आपकी आदतों के ऊपर। अगर आप एक बहुत ही डिसिप्लिन इंसान हैं, आप में इतनी समझ है कि आप 4000 के लिए 4 फंड अलग अलग तरीके के फंड ले सकते हैं, तो आप ज़रूर 4000 के लिए 4 फंड लीजिए। मान लीजिए कि आपको इक्विटी कैटेगरी में निवेश करना है, आपके पास 4000 की रकम है, आप उसमें एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक मल्टी कैप या फिर एक बैलेंस फंड ले सकते हैं। होता क्या है कि जब आप 4000 के लिए 4 फंड ढूंढते हैं तो आप जाके कहीं सर्च करते हैं कि टॉप 4 फंड, टॉप 10 फंड्स कौन से हैं। उस टॉप 10 में आप टॉप 4 को पिक कर लेते हैं और उसमें निवेश करना शुरू कर देते हैं, बिना ये देखे हुए कि वो जो 4 के टॉप फंड आपने लिए हैं वो किस तरह के फंड हैं। क्या चारों एक ही तरह के फंड हैं या उसमें से 4 में से 3 एक तरह के फंड हैं? अगर ये काम किया तब तो फिर नई बात बनी। इसीलिए अगर आप 4000 के लिए 4 फंड लेना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि चारों अलग अलग तरह के फंड हों। दूसरी बात ये ध्यान रखें, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो, कि जब आप हर साल निवेश की रकम बढ़ाएंगे तो आप चारों में बराबर रकम बढ़ाएं। होता क्या है कि जब निवेश की रकम बढ़ाने की बारी आती है तो हम रिटर्न देखते हैं फंड का। ए फंड में 20% का रिटर्न है, बी में 10% का, सी में 20 का और डी में 25 का। ठीक है, लालच बहुत अच्छा, सबसे कम बी में है, इसमें तो बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं, इसको छोड़ दो, ऐसे ही चलता रहेगा। डी अच्छा दे रहा है, इसमें और डाल दो पैसे, क्योंकि डी मुझे 25% का दे रहा है। तो मान लीजिए कि आप अगले साल फिर 4000 निवेश की रकम बढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे ना, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप डी वाले फंड में, डी फंड जिसका 25% रिटर्न है, आप उसी में और रकम ज़्यादा बढ़ा देंगे, शायद आप उसमें 3000 रुपये और ज़्यादा डाल दें। तो ये अप्रोच एकदम गलत होगा। तो अगर आप ये दो काम कर सकते हैं कि कम रकम के लिए भी 4 अलग अलग तरीके के फंड लें और जब रकम बढ़ाएं तो चारों में बराबर तरीके से बढ़ाएं, तो आप ज़रूर 4000 के लिए 4 फंड लीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप 1 या 2 फंड उसको लेकर आगे बढ़ें। ठीक है, मैक्स 6 से 8 फंड, उससे ज़्यादा नहीं। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं अमीर बनने के सफ़र पर। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बी वेल्दी तो प्लीज़ जल्दी कीजिए और जो घंटी बनी हुई है वो ज़रूर दबाइए ताकि जो अगला वीडियो आए उसका अलर्ट आप तक तुरंत पहुंच जाए।